फ्रैक्चर परेड के लिए एनओसी दी गई है और 37 शर्तों के साथ किसान संगठनों को एनओसी दी गई है। शर्तें इसमें हैं 5000 ट्रैक्टर, 5000 लोगों की अनुमति इस दौरान दी गई है। 12 बजे से शाम 5 बजे तक की ट्रैक्टर परेड की इजाजत दी गई है, अनुमति मिली है। ट्रैक्टर परेड के लिए पुलिस की लिखित मंजूरी यहां पर इसको लेकर के है और तय रूट पर ही ट्रैक्टर परेड की इजाजत दी गई है और तय रूट पर धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, यह भी कहा गया। हथियारों और भड़काऊ भाषण की इस दौरान मनाही है, इस तरीके के बयान नहीं दिए जाएंगे, इस तरीके के भाषण नहीं दिए जाएंगे, ये भी साफ कर दिया गया। और एनओसी बकायदा दी गई है लेकिन कुछ शर्तें इसमें जोड़ दी गई हैं। 37 शर्तों के साथ अनुमति दी गई है, 5000 ट्रैक्टर, 5000 लोगों को इस दौरान अनुमति दी गई है और 12 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक ट्रैक्टर परेड को लेकर के जो परमिशन है वो दे दी गई है और तय रूट पर ही ट्रैक्टर परेड को इजाजत दी गई है। वहीं पर ही जो निश्चित पॉइंट है, जो एक रूट तैयार किया गया है, सिर्फ उसी रूट पर ही ये ट्रैक्टर परेड की जाएगी। वहीं हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा, किसी भी तरीके से आप उस परेड के अंदर शामिल नहीं करेंगे, भड़काऊ भाषण इस तरीके का आप वहां पर इस्तेमाल नहीं होगा। राजा पटेल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजा, क्या अभी इस ट्रैक्टर परेड को लेकर के जो अभी तक कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी साफ हो पाया है? किसान संगठन नेता जो पुलिस के द्वारा तय रूट है उसको स्वीकार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुभेंद्र, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अब पुलिस ने कहीं ना कहीं, दिल्ली पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने अब किसानों को एनओसी सौंप दिया है। साफ तौर पर जो जानकारी मिल रही है, जो तय रूट है किसानों ने वहां पर सहमति बनाई और उसी रूट पर जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि सुबह 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक की अनुमति है और साफ तौर पर जितने भी शर्तें हैं पुलिस की वो भी किसानों ने मान ली है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं सुभेंद्र, जो बड़ी खबर आ रही है कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह अपने निवास पर गृह राज्य मंत्री और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बात करें या गृह सचिव की बात करें, तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है और मीटिंग का हिस्सा कहीं ना कहीं मीटिंग ले रहे हैं। साफ तौर पर अमित शाह साफ तौर पर सुरक्षा से और जो जानकारी मिल रही है कि किसानों को की रैली को लेकर साफ तौर पर ये मीटिंग, अहम मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि हिंसा पहले ही मैं आपको बता दूं कि ईडी ने तमाम जो एजेंसियां उन्होंने अलर्ट पर रखा था कि इस रैली के जरिए आतंकवादी गतिविधियां तेज हो सकती हैं और कहीं ना कहीं राजधानी में हमला हो सकता है, तो उसको लेकर कोई ना कोई कोई चूक ना हो उसको लेकर सरकार की पूरी तैयारियां और लगातार उसी कड़ी में लगातार अमित शाह पहले से ही मॉनिटरिंग करते हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों 3 घंटे पुलिस मुख्यालय में उन्होंने मीटिंग ली थी और आज जिस तरीके से हाई लेवल ये मीटिंग है साफ तौर पर किसान आंदोलन से और किसानों की जो रैली है ट्रैक्टर परेड को लेकर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या मीटिंग के बाद अमित शाह या फिर तमाम जो जो अधिकारी हैं वो प्रेस ब्रीफिंग करके क्या जानकारी देंगे। राजा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई है इस ट्रैक्टर मार्च को, साफ हो रहा है कि शर्तें क्या क्या हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि समय सीमा को लेकर के भी कुछ शर्त हैं, आप जो तय रूट है उस पर ये ट्रैक्टर परेड चलेगी, आप जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके लिए भी एक गाइडलाइंस है बकायदा, क्या क्या शर्तें यहाँ दी गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबह मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी शर्त है जिस तरीके से लगातार सिंधु बॉर्डर पे लोगों ने देखा होगा, हमने भी और आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से जिस तरीके से डीजे यहाँ पर बजाए जाते हैं ट्रैक्टर में, वो डीजे बजाते हैं और डीजे वो पूरी तरीके से बैन है। साफ तौर पर जितने भी ट्रैक्टर मार्च में शामिल होंगे, किसान शामिल होंगे, वो डीजे नहीं बजा सकते, कोई अलग से गाना नहीं बजा सकते, साफ तौर पर शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है, ऐसे में कोई हिंसा ना हो उसको लेकर साफ तौर पर पूरी तरीके से ध्यान यहाँ पर रखेगा। और भी तमाम जो शर्तें हैं कि जो सुरक्षा लेयर है, मैं आपको बता दूं कि जो सिंधु बॉर्डर से जो ट्रैक्टर यात्रा निकलेगी उससे आगे दिल्ली पुलिस के जवान हैं, तमाम जो फोर्सेज है वो तैनात रहेगी, तो जो सुरक्षा लेयर है उसी सुरक्षा लेयर के अंदर कहीं ना कहीं किसानों को अपनी परेड निकालनी होगी, सुरक्षा लेयर से बाहर नहीं जानी होगी। मैं आपको बता दूं जो मुख्य बिंदु है, मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ सुभेंद्र, आप सबको जिस तरीके से जो रिंग रोड की लगातार किसान नेता मांग कर रहे थे, अभी भी कई किसान नेता नाराज है कि रिंग रोड की आखिरकार परमिशन क्यों नहीं गई। उस रिंग रोड को जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि आज शाम तक, आज रात तक उस रोड को पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ब्लॉक कर देगी और साफ तौर पर वहां पर बैरिकेड तक, ताकि जो किसान नाराज है वो ट्रैक्टर लेकर वहां ना पहुंचे। जी अगर ऐसा होता है तो इस स्थिति से निपटने के लिए भी क्या कोई कदम है? हेलो राजा, मुझे सुन पा रहे हैं? राजा, अगर ऐसा होता है तो इस स्थिति से निपटने के लिए भी क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसके लिए भी तैयारियां हैं?
अजी बिल्कुल, देखिए शुरू से इसी को लेकर हाई लेवल मीटिंग है कि कोई अनहोनी ना हो, कोई असामाजिक तत्व इस रैली को, ट्रैक्टर यात्रा को ना बिगाड़े। इस बहुत ही गलत मैसेज पूरे देश और विश्व में जाएगा, उसको लेकर ही गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग बुलाई। और साफ तौर पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, जहां बैरिकेड और जहां पर किसान यात्रा ट्रैक्टर यात्रा को बैन कर रखा है, वहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा लेयर है और तमाम फोर्सेस, चाहे जेसीबी क्रेन्स की बात करें, तमाम जो बैरिकेड्स हैं उनकी बात करें, वो पूरी तरीके से जो पुलिस है वो तैयार है कहीं भी अनहोनी ऐसी आशंका होती है। और सबसे अहम बात की तमाम जो यात्रा है इसके ड्रोन से, ये एक मुख्य बिंदु है पूरी रैली का, की ड्रोन के जरिए जो पुलिस है पूरी तरीके से नजर आज भी रख रही है। सुबह मैं आपको बता दूं की पूरी तरीके से सिंधु बॉर्डर पर लगातार ड्रोन कैमरे चलाए गए, गतिविधि वहां पर देखी जा रही है और हर हलचल को तीसरी आंख में कैद भी किया जा रहा है। आप बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी देने के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे आप, लेकिन कुछ शर्तों के साथ फिलहाल किसान संगठनों को एनओसी दी गई है। इसमें 37 अलग अलग शर्तें इसमें जोड़ी गई हैं, 5000 ट्रैक्टर और 5000 लोगों को फिलहाल ट्रैक्टर परेड की अनुमति दी गई है। गणतंत्र दिवस पर देश के